कांग्रेस अपना कर्ज माफी का वचन हर हाल में पूरा करेगी और हरा सफेद गुलाबी फॉर्म भरने वाले हर किसान का कर्ज माफ होगा। रतलाम के आलोट में विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हुए ये बात नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कही। आलोट के विकास के लिए 2 करोड़ की घोषणाएं करते हुए मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी वितरित करेंगे। पहले चरण में उन किसानों का कर्ज माफ किया गया था जिनके चालू खाते में कर्ज 50,000 से कम था और जिनका कर्जित खाता 2 लाख तक का कर्ज था। जो शेष किसान रह गए हैं उनके लिए भी आदरणीय सीएम साहब ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है। विधानसभा का बजट सत्र 8 जुलाई से चालू हो रहा है जिसमें पर्याप्त राशि का आवंटन कर्ज माफी के लिए किया जाएगा, जिससे एक एक किसान जिनने हरा फॉर्म भरा था, सफ़ेद फॉर्म भरा था, गुलाबी फॉर्म भरा था, उन सब का पूरा कर्ज माफ़ किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाजपा की सरकार 15 साल मध्य प्रदेश में थी, लेकिन उन्हें एक बार भी कर्ज माफ़ी घोषणा छोड़ो सपने में भी कर्ज माफ़ नहीं किया किसानों को, लेकिन हमने इस बात की पहल की है और हम करवा दिए। रतलाम से इंडिया फर्स्ट न्यूज़ संवाददाता कुलदीप महेश्वरी की। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।